भारतीय समाज ये ग्रंथों पर नहीं चलता। ग्रंथों पर चलता होता तो एकनाथ महाराज गधे को गंगा का पानी नहीं पिला दे रामेश्वर के लिए ले जा रहे थे। ग्रंथों में बहुत सी बातें हैं जो आउट ऑफ डेट है, और भारतीय समाज जो पूर्ण श्रद्धा रखता है अपने धर्म पर वो उनको छोड़कर चल रहा है, और कोई उसको धर्म बाह्य नहीं कहता या उसको शाप नहीं देता, क्योंकि लोग जानते हैं कि पुस्तक के शब्द भी आखिर देशकाल परिस्थिति की मर्यादा में बद्ध होते हैं। या तो उनका नया अर्थ बताना पड़ता है या शब्दों को बदलना पड़ता है। अपने जो ग्रंथ है उसमें एक भगवद गीता, उसमें बिल्कुल मिलावट नहीं है ऐसा कह सकते हैं, लेकिन जो सुनते हैं वेदों में मिलावट नहीं है क्योंकि वो मौखिक कृति से सुरक्षित रहे। उपनिषदों में मिलावट नहीं है। बाकी ग्रंथ तो जैसे महाभारत के बारे में उसकी प्रस्तावना भी कहा है कि जो पहली कथा बताई गई वो 8,800 श्लोकों की थी, और अभी जो पूर्ण संहिता उपलब्ध है 1,00,000 श्लोकों की है, तो ये बाकी सारे श्लोक बाद में जुड़े। तो उसमें से कालबाह्य जो हुआ वो निकालना, और जो काल सुसंगत है हमारे मूल्यों से सुसंगत है, इन दोनों बातों को रखना। ऐसा किसी ने सोचा तो वो कोई बहुत गलत विचार है ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन ये सारे अधिकार हमारे धर्माचार्यों के, वो इसको ठीक कर सकते। बाकी लोगों ने उसमें हाथ नहीं डालना चाहिए, लेकिन बाकी लोग धर्माचार्यों को हाथ जोड़कर आग्रह कर सकते हैं कि कृपया ऐसा कीजिए। कई लोग ऐसा चाहते भी है, मुझे मिलते रहते समाज के बड़े बड़े अच्छे लोग जो राजनीतिक नहीं है, जिनका कोई स्वार्थ नहीं है, उनको लगता है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे रामायण में, रामचरित्र में किसकी पूजा करो ये तो बताया ही नहीं है। बताया तो यही है कि सत्य पर चलो, अन्याय अत्याचार मत करो, अहंकार मत करो। तो पूजा पद्धतियां अनेक हो सकती है, और अपनी अपनी पूजा पद्धति को लेके सुखपूर्वक प्रत्येक व्यक्ति चल सकता है। दूसरों की पूजा पद्धति को अपने पूजा पद्धति की जितना ही सत्य मानकर स्वीकार करके चल सकता है। आपस में मेल मिलाप रखने वाली बातों को मानकर चल जो हो गया। संविधान का जो अपना प्रीएम्बल है उसमें यही तो सारी बातें हैं। वो पूरी 4 प्रकरण संविधान के हैं। प्रस्तावना है, नागरिक कर्तव्य, नागरिक अधिकार, गाइडिंग प्रिंसिपल्स, मार्गदर्शक तत्व, ये चारों जो है वो इन्हीं बातों को बताते हैं। हम अपने देश में विविधता पहले से है, तो अब राम के समय का विचार करें तो कौन से संप्रदाय रहे होंगे, दिखते तो दो ही प्रमुख हैं, शैव और वैष्णव। तो शिवजी परंपरा से राम का ध्यान करते हैं, और राम हर जगह शिवजी की पूजा करते हैं। तो भाई ये सब अलग अलग तरीके हैं, लेकिन आपस में आत्मीयता जो है, एकात्मता जो है, मिलजुल कर चलने का निश्चय है, वही रामायण का संदेश है, वही अपने सारी परंपरा का यही संदेश है कि प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है, उसके अनुसार उसका बाह्य रूप अलग अलग होगा, लेकिन एक ही सत्य सब में होने के कारण सब एक है, यह संदेश है। तो रामायण भी उसी को गाता है, इसलिए अपने सारी इतनी सारी पूजा कर देती है। तो वो अगर इस आदर्श को लेकर चलेंगे तो सबका विकास होगा, और देश का भी विकास होगा, और समाज में भी शांति, भाईचारा ये सब रहेगा। ऐसा है कि बुनियादी स्वभाव भारत का जो है उसके आधार पर जो होगा
यानी भारत की आत्मा के आधार पर जो होगा वो आत्मनिर्भर होगा। आत्मनिर्भर यानी केवल स्वावलंबी और विजयी ऐसा नहीं है, स्वावलंबी में स्व महत्व की बात है। इतनी सारी चीनी मिले है, हम बहुत सारी शराब बनाकर एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो आत्मनिर्भरता नहीं होगी। भारत की प्रकृति में शराब बनाना नहीं, तो भारत की प्रकृति मूलता क्या है कि वो एकात्म है और समग्र है, यानी संपूर्ण विश्व के अस्तित्व की एकता वो मानता है, सारा विश्व जुड़ा है। कुछ मेरा होना है तो उसके कारण सारे विश्व का भी कुछ होना है, और विश्व का ठीक होना है तभी मेरा ठीक होना है। मेरा अकेले का ठीक होगा और विश्व पड़ा रहे वैसे, ये हो नहीं सकता, क्योंकि हम सब जुड़े हैं, बाहर से अलग अलग दिखते हैं, है तो एक ही के आविष्कार, और इसलिए हम टुकड़ों में विचार नहीं करते और हम सबका एक साथ विचार कर सकते। दूसरी बात है, हम किसी भी चीज का विचार करते तो आगा पीछा और सर्वत्र होने वाले उसके परिणाम ये ध्यान में रखकर विचार करते, इसलिए हम कभी एक्सट्रीमिस्ट नहीं हो सकते। हम हमेशा बैलेंस साध कर एक मध्यम मार्ग पर चलते हैं। मध्यम मार्ग को ही धर्म कहा गया, ये धर्म की सोच है और वो इस सत्य पर आधारित है कि अस्तित्व एक है, दिखता विभेद है। अभी जो प्रचलित व्यवस्था है पश्चिम, बुनियादी पश्चिम है, उसमें पश्चिम यानी दिशा कोई भी हो, उधर से जो चिंतन आया उनके चिंतन के आधार पर है। उनका चिंतन क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति अलग रहे, वैसे ही शरीर मन बुद्धि अलग है, वैसे ही समाज का हित अलग है, व्यक्ति का हित अलग है, सृष्टि का हित अलग है, और इसलिए सुख सबको चाहिए, सुख के साधन चाहिए। ये तो भारत में भी है वहां भी, लेकिन शरीर का सुख चाहिए कि मन का चाहिए, प्राधान्य वहां शरीर के सुख। शरीर के सुख के लिए जितना आवश्यक उतना मन का बुद्धि का सुख चाहिए। हमारे यहाँ का नहीं भाई, सबका सुख चाहिए, इसलिए सबके सुख को कुछ न कुछ संयम रखना पड़ेगा। वो कहते ऐसे जरूर नहीं, एक्सट्रीम के तरफ जाओ कोई बात नहीं। व्यक्ति का सुख चाहिए तो बस स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उससे झगड़ा होता है, दुख उत्पन्न होता है तो व्यक्ति को बिल्कुल दबाव। समाज का सुख, व्यक्ति मात्र मशीन का पुर्जा है समाज नाम, तो स्वतंत्रता नहीं आती। जो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा संसद में, स्वातंत्र्य और समता एक साथ लानी है तो बंधुभाव चाहिए, और बंधुभाव ही धर्म है, क्योंकि बंधुभाव का कारण क्या है, हम सब एक है, होना नहीं आपको आई, हम भूल गए, हमको याद कर। तो ये बुनियादी बात होने के कारण हमारे यहां हमने विकास किया। अभी तो रिसर्च है ना कि 1000 साल तक विश्व की अर्थव्यवस्था में हम नंबर वन रहे। उस समय विश्व के बहुत बूढ़े बड़े भूभाग पर हमारा प्रभाव तो था ही, साम्राज्य भी हमारा बहुत बड़ा था, यानी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस देखे तो। लेकिन ऐसा सब होने के बाद भी हमने दुनिया में जाकर किसी देश को समाप्त कर दिया, ऐसा नहीं हुआ है। हमारे यहाँ के ढाके की मलमल अभी भी कंप्यूटर युक्त मशीनों में बनना कठिन है, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी हमारे पास थी, लेकिन हमारे यहाँ पर्यावरण की हानि नहीं हुई कभी, क्योंकि हमने सबका हित एक साथ साधा, उसके लिए सबके स्वार्थ की दौड़ को संयम दिया। सबको स्वतंत्रता मिली, लेकिन सबको यह भी मिला कि अपनी स्वतंत्रता का उपयोग सबको स्वतंत्र करने में करो। इसलिए हमारे यहां किसान अपने बीज खुद बनाता था, किसान हमारा बीज के लिए उसको कहीं जाना नहीं पड़ता था, वो अपना बनाता था, खाद अपना बनाता, सारा अपना बनाता। आप अभी देखिए जो हमारे परंपरागत, जैसे टूथपेस्ट, कोई टूथपेस्ट आपको बता दिए तो सारे जंतुओं को मार देगा,
मार दिया, केमिकल सड़े थे उसमें मार दिया। दत्तौन क्या काम करती है? दत्तौन मारती नहीं, दत्तौन रेगुलेट करती है। ये जो देशी बनते हैं कीटनाशक वगैरह, वो नाश नहीं करते, उनको नियंत्रित करते, वो हानि नहीं कर सकते। इस प्रमाण में उनका भी जीवन है भाई। ये दृष्टिकोण हमारे यहां बिल्कुल रग रग में, हम जानते नहीं, इतना सहज हो गया। विश्व में सारे संघर्ष समाप्त करने हैं, विश्व में सबकी उन्नति एक साथ करनी है, ये हो नहीं सकता। इस कगार पर विश्व पहुंचा है कि हमने दो प्रयोग करके देखे, व्यक्ति को महत्व दिया नहीं हुआ, समाज को दिया नहीं हुआ, ईश्वर मानकर चले, ईश्वर छोड़कर चले, नहीं हुआ। लोकमत के आधार पर चले, वैज्ञानिक आधार पर चले, नहीं हुआ। तीसरा पर्याय कहाँ है? ये तीसरा पर्याय है कि दोनों काम आपने किए, तब आपने तीनों को जोड़ने वाला चौथा नहीं देखा। हमारे यहां वो पहले देखा गया। इसलिए अर्थ काम को अनुशासन में रखकर मोक्ष की ओर चलाने वाला धर्म हमारे पास है। शरीर मन बुद्धि को अनुशासन में रखकर आत्मा परमात्मा की ओर उसको ले जाती है। और इसलिए व्यक्ति समष्टि सृष्टि तीनों की उन्नति और इन सबका भाव परमात्मा की तरफ बनता है। ये बेसिक दृष्टि है, उसके आधार पर हमको सारे जीवन की पुनर्रचना करनी पड़ेगी। सोचना भी पड़ेगा, रिसर्च भी करना पड़ेगा। और ये बेसिक दृष्टि है, सनातन काल से चलती आई हुई, ये शाश्वत है। इसका कैसा एक्सप्रेशन होगा, आज का ब्लूप्रिंट क्या होगा, वो आज के परिस्थिति के संदर्भों में इसको बिठाकर सोचना पड़ेगा। ऐसे प्रयोग हो रहे हैं, ऐसे प्रयोग अभी तो सरकार भी कुछ कर रही है, हम भी कर रहे हैं, तो उसको आगे बढ़ाओ। युवा शब्द से जो निश्चित निर्देशित होता वही अपेक्षा है ना। युवा यानी वो किसी बेड़ी में नहीं अटकता, यानी वो किसी किताब में अपने आप को नहीं बांधता, वो नित्य नया विचार करने में सक्षम होता है, वो सपने देख सकता है और वो कूद सकता है बिना विचार किए, साहस है उसमें, रिस्क ले सकता है, उसमें उत्साह है और उसमें एक उदात्तता है। बच्चों में और युवकों में संवेदनशीलता अधिक होती है, बच्चों में सबसे अधिक होती है, लेकिन बच्चों में ताकत नहीं होती, वो परावलंबी रहती है। युवा में ताकत भी रहती है, इसलिए उस संवेदनशीलता के आधार पर वो सत्य के साथ, न्याय के साथ खड़ा रहता है। और अगर वो मन से चाहे तो इधर का हिमालय उधर ले जाने की उसकी ताकत रहती है। अब ये इतनी बड़ी प्रचंड शक्ति है, क्षमता वाली, उसको एक दिशा केवल देनी पड़ती है, बाकी सब वो जानता है। लेकिन अगर युवा केवल अपने करियर और स्वार्थ का विचार करके चले, युवा किसी भी प्रकार से रिस्क से डरे, वो उद्योग नहीं करेगा, उसको नौकरी ही चाहिए क्योंकि नौकरी सुरक्षित है, सरकारी मिले तो ज़्यादा अच्छा, ऐसा वो विचार करे, तो वो काले बाल वाले बूढ़े हो गए ना। और अब्दुल कलाम जैसे लोग सफेद बाल वाले जवान हैं। तो एक किताब है पांढरे केस हिरवी मने, हिरवी मने, ये मुख्य बात है। तो हमारे तरुणों का ये हरा भरा मन बना रखना चाहिए, बनाए रखना चाहिए, इसलिए उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उनको दिशा मिलनी चाहिए, उनको सहायता मिलनी चाहिए और उनके सामने नए नए भव्य क्षितिज उद्घाटित करने चाहिए कि देखो ऐसा करना है। मैंने डॉक्टर जोशी चीन में गए थे प्रवास में, उन्होंने बताया अपना अनुभव कि उनका प्रवास समाप्त तो आना था, लेकिन चीन के राष्ट्रपति ने फोन करके उनको रोक लिया कि एक हमारा यूनिवर्सिटी का सम्मेलन है, सारे देश के युवा, कोई 2 लाख युवा आने वाले हैं, तो उसका उद्घाटन समारंभ देख के आप एक दिन रोक लिया। उस उद्घाटन समारंभ का प्रारंभ कैसे था, ये बात होगी 1980 वगैरह की, 80 के दशक की बात है। तो समारंभ ऐसा था कि
2 लाख युवा जिस बड़े सभागृह में बैठे, अंधेरा था पहले, धीरे धीरे प्रकाश होने लगा, सामने वाला पर्दा एकदम जगमगा उठा और पूरे विश्व के नक्शे में चीन लाल पीले रंग में ऐसा उसमें उठा दिया हुआ ऐसा, और चीन से ड्रैगन निकलकर सारी दुनिया को, दुनिया के आकाश को पदाक्रांत कर रहे हैं, ऐसा दृश्य। फिर वो कहता है निवेदक बैकग्राउंड से कि एक जमाना ऐसा था जब चीन का ड्रैगन अपने पंखों की हवा से सारी दुनिया को साफ करता था। चीन के ड्रैगन की छाया सदा सर्वदा दुनिया पर विहरती थी। हमको अपने चीन को फिर से ऐसा बनाना है, ये कम्युनिस्ट चाइना की बात है। लेकिन उसने अपने युवा पीढ़ी के सामने लक्ष्य रखा है। जयप्रकाश जी को पूछा था इसराइल में, जयप्रकाश जी ने पूछा कि इतना सारा झेल के आपके युवा यहां ये सब सारा देश खड़ा कर रहे हैं, आप उनको प्रेरित कैसे करते हो? तो उनको ये पूछा गया कि हमको ये बताइए कि आपके देश के युवकों के मुख में गीत कौन से रह गए, तब मैं बताऊं। तो युवाओं के सामने ऐसे सपने रखना, युवाओं के सामने आदर्श भी रखना, क्योंकि युवा किसी भी प्रकार के दंभ को सहन नहीं करता और तुरंत पहचान जाता है। तो उनके साथ सामने आचरण के भी उदाहरण रखने पड़ते हैं। ये अगर हम करेंगे तो युवा में सब कुछ है। लाना क्या है? इससे अलग जाना नहीं है, इतना ही करना पड़ेगा। रस खान का नाम आपने सुना है ना, वो मुसलमान थे, उन्होंने इस्लाम छोड़ा नहीं था, लेकिन कितना सुंदर काव्य उनका कृष्ण पर है। शेख मोहम्मद थे, विट्ठल के भक्त थे, और ये कोई पुरानी बात नहीं, हमारे यहाँ रामकृष्ण परमहंस ने इस्लाम ईसाइयत सहित सभी संप्रदायों को उपासना प्रत्यक्ष करके कहा कि सब लोग एक ही जगह पहुंचते हैं, जतो मत ततो पत। रमण महर्षि ने पॉल ब्रंटन को जब उसने कहा कि मुझे लगता मैं हिंदू बन जाऊं, तो कहा नहीं, तुम ईसाई जन्मे हो, तुम अच्छे ईसाई बनो तो तुमको भी वही फल मिलेगा जो एक हिंदू को अच्छा हिंदू बनने का होता है। हिंदू इस को रिलीजन के अर्थ में उन्होंने उपयोग किया, वास्तव में वो है नहीं, लेकिन पॉल ब्रंटन को समझना था तो यही कहना था। तो ये हमारे यहाँ सदा हुआ है, समय समय पर कट्टरपंथी लोग इनको अलग ले जाने का प्रयास करते हैं। उस प्रयास को शिवाजी महाराज ने रोका, तो उनके नौसेना में मुसलमान भी थे, सिद्धि भी थे। राणा प्रताप की सेना में अकबर के खिलाफ जब लड़े हल्दीघाटी, तो थे ना मुसलमान, बहुत सारे लोग थे। और हाँ, इतिहास के हर मोड़ पर सब लोग साथ खड़े। जब यह होता है कि भारत भक्ति जागती है, भारत के संस्कृति की भक्ति जागती है, भारत के पूर्वज परंपरा का गौरव जागता है, तब ये सारे भेद तिरोहित हो जाते हैं, लोग इकट्ठा होते हैं। ये जिनके स्वार्थ पर आघात करता है वो लोग बार बार अलगाव और कट्टरता फैलाने का प्रयास करते हैं। वास्तव में हमारा एकमात्र देश है कि जहां पर सबके सब बहुत दिनों से साथ रह रहे हैं। सबसे अधिक सुखी किस देश के मुसलमान हैं? भारत के मुसलमान। दुनिया में कोई देश है कि जहां उस देश के वासियों की सत्ता में दूसरा संप्रदाय रहा जो उस देश का नहीं है और वो अभी तक चल रहा है? ऐसा कोई नहीं है। हमारा है, मुसलमान इस्लाम के आक्रमण के थोड़ा पहले कुछ आए, आक्रमण के साथ जोर से आए, बहुत सारा खून खराबा और लड़ाई का इतिहास, वैर का इतिहास है, फिर भी हमारे यहाँ मुसलमान है, हमारे यहाँ ईसाई है, तो उनका क्या बुरा हो रहा है?
उनको तो अधिकार मिलते, संविधान था, पाकिस्तान ने नहीं दिए। हिंदुस्तान उस समय जो वातावरण था उसमें हिंदुस्तान कहता कि देखो भाई मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बना है, अब यहाँ हिंदू का चलेगा और किसी का नहीं चलेगा। लेकिन हमारे संविधान ने ऐसा नहीं किया, हमारे संविधान में सब लोग थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो मानते थे कि ये पॉपुलेशन ट्रांसफर होना चाहिए, उन्होंने भी यहाँ मुसलमान रहेंगे तो उनको ट्रांसफर करना पड़े ऐसा संविधान नहीं बनाया, उनके लिए कुछ जगह बनाई। ये हमारे देश का स्वभाव है, इस स्वभाव को हिंदू कहते हैं। पूजा हम किसकी करते हैं इसका और हिंदू का वैसे संबंध नहीं है। धर्म जो है वो जोड़ने वाला, ऊपर उठाने वाला, समाज की धारणा करने वाला, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के सुख जिसका आचरण करने से मिल सकते हैं ऐसा है। अर्थ और काम इसका नियमन करके पूरे समाज को ठीक चलाने वाला वो है। पूजा आपकी कोई भी हो, राष्ट्रीयता तो पूजा से संबंधित नहीं है। जब पहले पहले पाकिस्तान की बात चली थी तो उस समय मदनी साहब थे जमायत इस्लामी के चीफ, उनकी पुस्तक है उसमें उन्होंने लिखा है कि ये कौम का और रिलीजन का कोई संबंध नहीं, जो लोग कह रहे हैं कि हम मुसलमान हैं इसलिए हिंदुस्तान के नहीं है वो गलत है। तो बीच बीच में कट्टरता फैलती है तो उसके हवा में भटकना नहीं, इतना करना पड़ेगा। और उसके लिए हम राष्ट्र है, एक राष्ट्र है, उस समय से चलते आए हुए राष्ट्र है, हम हिंदू राष्ट्र है, कुछ बदलना नहीं पड़ता, बुराइयां छोड़नी पड़ती, संकुचितता छोड़नी पड़ती, ये संभव है। और इसको मानने वाले हमको तो मिलते हैं मुसलमान और ईसाई, अच्छे अच्छे मुसलमान ईसाई मिलते हैं, पढ़े लिखे मिलते हैं, उच्च पदस्थ मिलते हैं, प्रभावी मिलते हैं। को नहीं पता क्योंकि हम आंदोलन करने वाले हैं नहीं। राम जन्मभूमि का आंदोलन हमने नहीं शुरू किया, वो समाज में बहुत पहले से चल रहा था। अशोक जी सिंगल विश्व हिंदू परिषद में जाने के पहले से चल रहा था, बाद में वो विश्व हिंदू परिषद के पास आया, इसलिए वो आंदोलन हमने शुरू नहीं किया। और कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में हम उस आंदोलन से जुड़े, तो कोई आंदोलन शुरू करना वगैरह हमारे एजेंडे में नहीं रहता है। हम तो शांतिपूर्वक संस्कार करते हुए प्रत्येक हृदय का परिवर्तन करने वाले लोग हैं। समाज हिंदू समाज क्या करेगा मुझे पता नहीं, तो ये भविष्य की बात है, इसलिए मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता। मैं इतना बता सकता हूं कि हम लोग कोई आंदोलन शुरू वगैरह नहीं करते। धर्म का स्थान सर्वत्र है, अधर्म तो कहीं नहीं होना चाहिए। अगर मैं कहूं कि धर्म होना चाहिए शिक्षा में तो खूब लोग चिल्लाएंगे, लेकिन मैं अगर कहूंगा कि अधर्म नहीं होना चाहिए तो कोई नहीं चिल्लाएगा। धर्म यानी संप्रदाय पूजा नहीं, सिविक डिसिप्लिन, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये धर्म है। भारत के प्रत्येक बच्चे को अपने संविधान के ये चार चैप्टर सबको बताने चाहिए। डिटेल्स फिर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ने वालों के लिए है, लेकिन भारत के बच्चों को यानी एकदम प्राइमरी में मत पढ़ाओ, समझ में नहीं आएंगे, लेकिन जो फॉर्मेटिव स्टेज है उनकी, उसमें उनको संविधान की प्रस्तावना, संविधान में नागरिक कर्तव्य, संविधान में नागरिक हक और अपने संविधान के मार्गदर्शक तत्व, ये सब क्या है कैसे है ये पढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो धर्म है। हम लोग साथ चले, विविध लोगों लोग एकत्र रहे और भारत की उन्नति हो, उसी समय भारत की उन्नति से विश्व को कष्ट न हो,
ये मन में रखकर उस संविधान की रचना की है और करने वाले सब हमारे लोग थे। उनके सामने क्या आदर्श थे, संविधान में जो चित्र उन्होंने क्रम से दिए हैं उन चित्रों में वो व्यक्त होता है। एक एक शब्द के लिए चर्चा हुई है वो अगर हम देखते हैं तो उनका मन ध्यान में आता है। तो आज के फॉर्मेट में यह हमारा सनातन धर्म ही व्यक्त हो रहा है, उसको सिखाओ। पढ़ना पैसे के लिए नहीं है, लेकिन पढ़ना आपको भूखा रखेगा ऐसा नहीं। आप पढ़ोगे तो आप अपना जीवन ठीक चला सकते, इतना आत्मविश्वास तो देना चाहिए। लेकिन केवल आपका जीवन ठीक चले इसलिए शिक्षा नहीं है, सबका जीवन आप ठीक चलाए इसलिए आप शिक्षित, आपको शिक्षित होना है। ये दृष्टि वहां मिले, घर के संस्कार भी ऐसे हो, विद्यालय का पाठ्यक्रम, शिक्षकों का आचरण का उदाहरण और समाज का वातावरण, ये चारों बातें ऐसी होनी चाहिए। आप जो प्रश्न कर रहे हो केवल शिक्षा नीति के बारे में कह रहे हैं, लेकिन शिक्षा तो इन चारों में होती है, चारों का विचार करना पड़ेगा और ये ऐसा होना पड़ेगा। तो शिक्षा हमारी दुनिया के संघर्ष में मैं खड़ा होके अपना और अपने परिवार का जीवन चला सकता हूं, इतनी कला और इतना विश्वास देने वाला। दूसरा, इस दुनिया से मैंने लिया है, उस दुनिया को मैं दाम दुगना वापस करूंगा, इसके लिए मुझे जीना है, ये दूसरी बात। और तीसरी बात कि ये जीवन जीते समय जो शिक्षा मुझे मिली उसके आधार पर सब अनुभवों में से मैं कुछ जीवन के लिए सीख लूंगा, जीवन के चढ़ाव उतारों में से जाते समय मैं जीवन के आनंद को ग्रहण करूंगा सकारात्मक दृष्टिकोण से, ऐसा स्वभाव होना चाहिए। ये शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए। अभी जो शिक्षा नीति बनी है उसने कुछ कदम इस ओर डाले हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन इसको पूर्ण नहीं मानना चाहिए। दूसरी बात, पूर्ण नीति सरकार जब बनाएगी भी तो भी इसका अमल केवल शिक्षा यानी व्यवस्था नहीं करती, घर और समाज भी करता है। तो कुल मिलाकर ही इस वातावरण को बनाने की आवश्यकता। मन की अयोध्या वाली बात मैंने पहले कही, भारत के व्यवस्थाओं के बारे में बुनियादी दृष्टि की बात मैंने बताई। ये दोनों बातें ठीक हो जाती है तो भविष्य का भारत अपने आप गढ़ा जाने वाला है, क्योंकि आज अपने देश में विशेषकर युवा पीढ़ी में अपने देश को बड़ा बनाने की चाह है। सौभाग्य से घटनाएं ऐसी घट रही है कि हमारा विश्वास अधिक अधिक बढ़ रहा है। अब कोरोना के आपत्ति में ही पहली बार स्वतंत्रता के बाद ये दृश्य हमने देखा कि पूरा समाज खड़ा हो गया, किसी के बताए बिना, उसने सरकार की राह नहीं देखी, खुद होके किया। अब मीडिया में बहुत बातें निगेटिव ही ज्यादा आती हैं, कोरोना पॉजिटिव की संख्या आती है, निगेटिव की आती नहीं। लेकिन कोरोना के समय ये तो हुआ ना कि अनेक मालिकों ने अपने मजदूरों को बिना काम के रखा, छोड़ा नहीं, वेतन दिया पूरा। अब मालिक अपना उद्योग शुरू करने जा रहे हैं तो अनेक जगह ये भी अनुभव आता है कि मजदूर कहते हैं कि उस समय आपने हमको पाला, अब आपकी कठिनाई है तो हमको वेतन बाद में दीजिए, हम काम करते हैं। ये हुआ है अभी और ऐसा बहुत ज्यादा घट रहा है। तो समाज खड़ा हुआ। दूसरी बात, शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था जो कुछ कहती है उसका अपने समाज के अनुशासन का स्तर देखेंगे तो उसकी तुलना में तो बहुत अच्छा पालन सबने किया। एक केवल पालन किया ऐसा नहीं, एक विश्वास का नाता दिखता था। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा दीप जलाओ या थाल बजाओ, तो ऐसे लोग भी थे कहीं आगे कि इससे क्या होने वाला है, लेकिन समाज ने ऐसा नहीं कहा, बताया किया।
बोल रहे ना, जरूर इसमें कुछ बात है, करना है। शास्त्री जी के समय में ऐसा दिखा था, हाँ 71 के युद्ध समय इंदिरा जी के बारे में भी ऐसा दिखा था। यानी उन व्यक्तियों की भलाई के बारे में नहीं कह रहा हूं मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि समाज जब ऐसा खड़ा हो जाता है तो समाज के अपने अंदर की ऊर्जा के कारण खड़ा होता है, उसको लगता है कि नहीं ये हमारे देश को नहीं झुका सकेंगे ये संकट। जैसे चाइना के बारे में समाज कह रहा है, 8 साल का बच्चा भी मेड इन चाइना दिखता है तो जो खिलौना हट करके उसने लिया है उसको फेंक देता है, पैसे वापस करो ये नहीं चाहिए, ऐसा वातावरण है। तो इसलिए ये एक भावना जागी है और इसलिए उस भावना के लिए आवश्यक गुण संपदा वो है मन की अयोध्या, और उसके लिए आवश्यक जो रोड मैप है वो ऐसी भारतीय मानस के आधार पर कॉलोनाइजिंग प्रभावों से पूर्णतः मुक्त होकर और बाहर से जो हम देशकाल परिस्थिति सुसंगत ले सकते हैं, अच्छा है, लेने से लाभ होगा, वो लेकर आगे बढ़ते रहेंगे तो ये होगा। और तीसरी बात करने की आवश्यकता है,